ओके, तो अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। यहाँ मैंने लिखा है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए। यह हो गया ए ए टू ए, ओ इज द मिड पॉइंट, ए बी डाइपोल है एंड पी इज द पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सियल लाइन पर है और हमें फाइंड करना है। हमने देखा था पहले कि एक्स एक्सिस एक्सियल लाइन हो गया, वाई एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पी, ओके आप ऐसे ही समझ लीजिए, पी द पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले भी मैंने बोला जिस पॉइंट पर भी फाइंड करना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वहां प्लस वन कूलम्ब एज्यूम करिए, ठीक है। तो जरा देखिए यह प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपल्सन देगा, और यह माइनस क्यू इसको क्या करेगा, इस प्लस वन को एट्रैक्शन देगा। देखिए ड्यू टू दिस प्लस क्यू प्लस वन को क्या मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा, एंड ड्यू टू दिस माइनस क्यू प्लस वन को क्या मिलेगा, एट्रैक्शन मिलेगा। तो बताओ रिपल्सन ज्यादा होगा या एट्रैक्शन ज्यादा होगा, प्लस क्यू सामने है पी के, यानी रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, माइनस क्यू के कारण एट्रैक्शन कम मिलेगा। ओके तो सपोज करते हैं कि P का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से वो कितना है, R है। ओके तो ए बी इक्वल टू तो 2A है और OP इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस प्लस Q के कारण क्या मिल रहा है, रिपल्सन, इस माइनस Q के कारण मिल रहा है एट्रैक्शन। ये माइनस Q एट्रैक्ट कर रहा है, इसको हमने लिख दिया E1, ओके और प्लस क्यू क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इसको लिख दिया E2, ठीक है। ऑब्वियसली E2 ग्रेटर देन E1 होगा, ओके और तो अब देखो, चलो माइनस क्यू का डिस्टेंस यहां से कितना है, सबसे पहले तो ये ओपी इक्वल टू कितना हो गया, आर। तो आप जरा देखो एपी का वैल्यू क्या होगा, एपी इक्वल टू कितना होगा जी, तो एपी इक्वल टू हो सकता है, चलो आर के टर्म में लिख रहे हैं एपी, तो दिस इज क्या हो सकता है, ए प्लस आर, आर प्लस ए, राइट। बीपी इक्वल टू क्या हो सकता है, बीपी इक्वल टू तो ये आर माइनस ए, Vp इक्वल टू हो गया R माइनस ए, ओके अच्छा। तो अब देखते हैं लेट, तो E1 इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। इस पॉइंट पी पर माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके तो 1/4πε0 इस माइनस क्यू का, तो क्यू ओवर पी से डिस्टेंस कितना है, एपी, तो क्यू ओवर एपी स्क्वायर, ओके ठीक। इसी तरह E2 इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डिस्टेंस क्या है, बीपी, इस माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना था पी से, एपी,
तो हम जानते हैं साइन का तो यूज नहीं करते हैं, 1/4πε0 बस मैग्नीट्यूड लिखना चार्ज q, तो दिस प्लस q ओवर bb स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले इसे नोट करें, ओके। तो अब यहां हम देख पा रहे हैं e2 और e1 प्लस q का इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसे थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंड पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हम बता सकते हैं नेट इफेक्ट हमें फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम लॉ के यूज से क्या हो जाएगा, e2 माइनस e1 हो जाएगा, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में रखेंगे ना जी, अंडर रूट e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा, थीटा 180 डिग्री रखेंगे तो वो तो आएगा ही, ओके, e1 माइनस e2 या e2 माइनस e1, लेकिन चूंकि e2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसलिए ओके। तो चलो, तो नेट फील्ड एट P क्या होनी चाहिए, तो दिस इज e2 माइनस e1, ओके, बस इसे ही सॉल्व करना है। e2 का वैल्यू क्या आया था, q ओवर 4πε0, और ये कितना था, bp स्क्वायर, राइट, और q ओवर 4πε0 bp स्क्वायर, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं कैलकुलेशन आगे, q ओवर 4πε0 को दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 ओवर bp स्क्वायर माइनस 1 ओवर ap स्क्वायर। तो q ओवर 4πε0 bp का वैल्यू क्या लिख दिया, r माइनस a का होल स्क्वायर, ap का वैल्यू लिखा r प्लस a का होल स्क्वायर, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ओके। दोनों का एलसीएम लिया जी, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो, तो r माइनस a का होल स्क्वायर टाइम्स r प्लस a का होल स्क्वायर, राइट। और यहां पर सॉल्व करके आएगा क्रॉस, तो r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, ओके। तो q ओवर 4πε0, ठीक है ना, और ये प्लस ये माइनस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये क्या हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, ये क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, इस नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, कैलकुलेट खुद करके देख लो यार, यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख देते हैं चलो, तो r माइनस a टाइम्स r माइनस a, यहां पर भी स्क्वायर है, इसको भी दो बार लिख देते हैं, तो r प्लस a टाइम्स r प्लस a जी, लो ये दोनों तो खत्म हो गया, तो ये कितना आ गया, q ओवर 4πε0, यस, और ये 2ra बिकम्स 4ra, और देखो इन दोनों का पेयर बना दो, r माइनस ए आर प्लस ए, इट बिकम्स r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इन दोनों का बना दो तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके जी। तो q ओवर 4πε0, अब देखो इस q को यहां से 2a मिल सकता है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं q ओवर 4πε0, और चलो इसको 2a दे देते हैं, तो यहां कितना बच गया, 2r, 4r क्यों लिखा ना, 2a इंटू 2r, और ये देखिए डबल हो जा रहा है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर, यहां q टाइम्स 2a क्या हो जाएगा जी, p टाइम्स 2r, और हो गया 4πε0 और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
होल स्क्वायर्ड। चलो अब कंडीशन है कि व्हेन आर इज मच एंड मच ग्रेटर देन ए देन क्या होगा, डाइपोल शॉर्ट होता है, 2a कम है, a नेग्लिजिबल r के कॉम्प्रिजन में, a को जीरो मान लो, इसको जीरो मान लो जी, तो ये जीरो हो गया, तो ये r स्क्वायर और यहां स्क्वायर r टू द पावर फोर हो जाएगा, यस। तो e इक्वल टू हो गया p टाइम्स 2r ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r टू द पावर फोर। तो इस तरह से ये कितना आ गया जी, यहां से एक आर से आर कट जाएगा, तो 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर एक्सप्रेशन, है ना। उस एक्सप्रेशन में क्या आया था, e इक्वल टू p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आया था, यहां 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आया। ओके तो इसे आप नोट कर लें। ओके तो अब हमने एक पॉइंट P पॉइंट लिया एक्सियल लाइन पर और एक पॉइंट Q लिया इक्वेटोरियल लाइन पर। तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस Q प्लस Q, इसका मिड पॉइंट हो गया O। तो O से R डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर और O से R डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर फॉर्मूला हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो ई एक्सियल क्या आया 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ओ से आर डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर तो ई इक्वेटोरियल, तो क्या होता है p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके अब दोनों को डिवाइड कर दो आप, नाउ फर्स्ट डिवाइडिंग बाय सेकेंड विकेट, दोनों को डिवाइड कीजिए, तो ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल इक्वल टू, देखिए दोनों को डिवाइड कीजिए, दोनों को डिवाइड करने पे बस 2 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास सर एक रिलेशन आ रहा है 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, राइट। एक्सियल लाइन पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगा इक्वेटोरियल का ट्वाइस होगा, डबल होगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सियल फील्ड एंड इक्वेटोरियल फील्ड, और इसका रेशियो यदि ऐसे देखते हैं तो क्या आ रहा है 2:1 आ रहा है, ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया, तो रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। ओके तो इसे